लखनऊ पुलिस के मुताबिक ये जुर्म रिज रोड शिमला के पास हुआ है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर मखीजा बताया जा रहा है। पुलिस को एक संदिग्ध आदमी की तलाश है जिसे घटनास्थल के पास एक काले रंग का रेनकोट, काली टोपी और गाढ़े रंग के मफलर में देखा गया था। यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि भारी बारिश और तूफान के चलते सड़क पर गाड़ी में सावधानी रखें, मौसम की और खराब होने की संभावनाएं। कहाँ हो? आ गए तुम? बहुत सारा काम पड़ा था, वही कर रही थी। अरे वाह, अच्छा तुम आराम करो, मैं कर देता हूँ। रहने दो, मैं कर चुकी हूँ। गुस्सा हो क्या? तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं? मैं भी बाहर गई थी। क्यों, इतने खराब मौसम में तुम कहाँ गई थी? यही पास में बाजार था। फोन का बिल जमा हो गया? हाँ हो गया, लेकिन पूरा दिन इसी में बर्बाद हो गया। और ऊपर से ये बारिश और तूफान, रास्ते भी पूरी तरह से बंद है। बड़ी मुश्किल से तो गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। और डीजल? हाँ वो भी मिल गया। इतना है कि एक हफ्ते तक बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा। पर हाथ पैर पूरी तरह से जम गए। तुम्हें क्या लगता है रोज, कल तक ये मौसम खुल जाएगा या हम इस तूफान में फंसने वाले? प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं पानी घर के दरवाजे तक ना भर जाए। पागल हो क्या, हमारा घर ऊंचाई पर है। हाँ अगर तूफान इसी तरह से रहा तो हमें लकड़ी और खाने के सामान पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे गेस्ट को कोई दिक्कत ना हो। काश सब कुछ अच्छे से हो जाए, गेस्ट के सामने फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। इज एवरीथिंग रेडी? अभी तक कोई आया नहीं? नहीं अभी कोई नहीं, सब कुछ रेडी है, बस मीना जल्दी घर चली गई है। ओह गॉड, अब तो सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये आजकल की काम करने वाली भी ना बस एम ही होती है। एक मिनट, मैं अकेले को सब कुछ करूं? मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जी नहीं, वो मेरा काम है। आपका बनाया खाना लोगों ने खा लिया ना तो गेस्ट हाउस क्या डलाउजी छोड़कर भाग जाएंगे। अच्छा, अब मैं इतना बुरा भी नहीं पकाता। जी नहीं, मेरे किचन से दूर ही रहिए, वो मेरा काम है। बड़े आए, वैसे भी अगर इस तूफान में हम लोग फंस गए तो हमारे पास काफी राशन है।
पर एक बात बताओ, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना? तुम्हें डर लग रहा है क्या? कहीं तुम्हारे मन में ऐसा तो नहीं चल रहा कि तुम्हारी आंटी के मरने के बाद हमें इस जगह को गेस्ट हाउस बनाने की बजाय बेच देना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों का ही डिसीजन था। एक गेस्ट हाउस से याद आया, जरा वो देखो। ए, अच्छा है ना? बकवास है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुमने रोज रंग की स्पेलिंग गलत लिखी है? भाई ये कैसे हो गया? पर ठीक ही है, क्यों? क्या करूं मैं तुम्हारा, किसी काम के नहीं हो। जाओ जाओ के इंजन में गीजर डालो। सारे कपड़े तैयार हैं? हाँ, रूम्स रेडी है। मैं तुम्हें लिस्ट बताती हूँ। हाँ, मिस्टर पोरवाल को रूम नंबर 4, मेजर वीरसेन को रूम नंबर 3, मिस्टर विशिष्ट सोलंकी को रूम नंबर 2 और मिस्टर राज मल्होत्रा को रूम नंबर 1। पर पता नहीं सब कैसे लोग होंगे, हमें रेंट पहले से ही ले लेना चाहिए था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? पर रोज, हम लोग इस काम के लिए बिल्कुल नए हैं, हमें कितना पता है। लोग अपना सामान लाते हैं ना, अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो उनका सामान रख लेंगे, सिंपल। पर हमें होटल चलाने का करेस्पोंडेंस कोर्स कर लेना चाहिए था। हमारे साथ कुछ बुरा जरूर होगा अगर वो अपने सूटकेस में ईंटें लाए तो। हेलो, ये सभी बड़े लोग हैं, इनकी रिक्वेस्ट बड़ी बड़ी जगहों से आई है। पर हो सकता है इन्होंने फर्जी एड्रेस दिए हो, या ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई पुलिस से भागा हुआ अपराधी हो। हमको पैसे मिल रहे हैं ना, फिर वो चाहे कुछ भी हो। तुम बिजनेस करने में माहिर हो। पुलिस के मुताबिक ये जुर्म ब्रिज रोड शिमला के पास हुआ है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर मखीजा बताया जा रहा है। पुलिस को एक संदिग्ध आदमी की तलाश है जिसे घटनास्थल के पास एक काले रंग का रेनकोट, काली टोपी और काले रंग के मफलर में देखा गया था। यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि भारी बारिश और तूफान के चलते सड़क पर गाड़ी में सावधानी रखें, मौसम के और खराब होने की संभावनाएं लगातार हैं। पानी पानी, मेरी गाड़ी आपके दरवाजे पे आके बंद हो गई। ऐसे मौसम में सफर करना बहुत ही रिस्की है। आई गेस यू आर मिसेस रोज, नाइस टू मीट यू, आई एम राज। हेलो राज, वेलकम टू आवर गेस्ट हाउस। आप वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था, मुझे लगा था आप कोई खड़ूस मैम साहब जैसी होंगी और ये जगह तांबे के बर्तनों से भरी होगी। और ये तो शानदार है। वेट, सभी चीजें कितनी सटीक है, मुझे यहाँ बड़ा मजा आएगा। जी शुक्रिया, आप आपके पास आकर थोड़ा आराम कर लीजिए। जी ग्रेट, शानदार। आप पसंद में ये मेज अच्छी नहीं लग रही है। जी हमें उम्मीद थी कि मेहमानों को पसंद आएगी, ये लीजिए। थैंक यू। अरे हाँ मिस्टर राज, ये है मेरे हस्बैंड शेखर देवरत। हेलो मिस्टर शेखर। हेलो, कैसा सफर रहा आपका? वाह, मौसम बहुत ही खराब है, ऐसा लगता है कोई शैतान गुस्से में और सब कुछ तबाह कर देना चाहता है। मिसेज रोज, मैं पुराने जमाने की चीजों का शौक रखता हूँ, अगर आप इस तरह की मेज डाइनिंग जी लाइए, मैं आपका सूटकेस आपके रूम में रखाता हूँ। कौन सा रूम नंबर 4? हाँ हाँ, रूम नंबर 4। ऑफ कोर्स, उस रूम में इसमें एक आलीशान बेड हो।
शायद आपके हस्बैंड को मैं पसंद नहीं आया। आपकी शादी को कितना समय हुआ है? आप एक दूसरे को पसंद करते हैं? सॉरी, हमें एक साल हो गया है। आप शायद अपना कमरा देखना चाहेंगे। वे, बुरा मत मानिए, पर मुझे लोगों के बारे में जानना अच्छा लगता है। मतलब लोग बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, नहीं? आप नहीं जान पाते कौन क्या है और कब क्या सोच रहा है। जैसे अभी आपको नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जी, है ना इंटरेस्टिंग? असल में सिर्फ एक काका ही दूसरे इंसान के बारे में जान पाता है, उसे खुद नहीं पता। कैसे? जैसे एक पेंटर, उसकी पूरी जानकारी उसकी पेंटिंग में दिखाई पड़ती है। तो क्या आप पेंटर हैं? नहीं, मैं आर्किटेक्ट हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझसे बड़ी उम्मीद पाल रखी थी कि मैं छोड़िए, शायद कभी मुझे मौका मिले लोगों को अपना हुनर दिखाने का और इतिहास में अपनी जगह बनाने का। बिल्कुल। मिस्टर शेखर, मुझे घर पसंद आया। जी, और आपकी पत्नी काफी समझदार है। बेशक। और काफी सुंदर भी। अब आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। ग्रेट, ये हुई ना हिंदुस्तानी औरतों वाली बात, दिल से तारीफ करो तो शर्मा जाती हैं। वैसे छोटे शहर के पति काफी उबाऊ नहीं होते। चलिए अपना कमरा देख। जी जी, जाऊं मैं? आइए आइए, प्लीज आइए। और शेखर, जरा सेंटर में इसको थोड़ा शिफ्ट कर देना। बास्टर्ड। वेलकम सर, मैं शेखर टेवरा, यहाँ का ओनर। आइए आपके पास आके थोड़ा आराम कर लीजिए, मौसम बहुत ही खराब है। आप बस यही संभालना है। टैक्सी दरवाजे तक नहीं आ रही। मेरे साथ मेजर सिंह भी आया है। हमने स्टेशन से टैक्सी शेयर की थी। मेजर गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं। सारा समय तो टैक्सी ढूंढने में लग गया, मिला भी तो कोई आने को तैयार नहीं था। आजकल के जी, इस असुविधा के लिए मैं माफी चाहूंगा। अगर हमें पता होता कि आप किस ट्रेन से आ रहे हैं तो मैं रिसीव करने के लिए। तुम्हें हर ट्रेन का ध्यान रखना चाहिए था। बस आती ही होगी, मैं जाकर जरा मेजर की मदद करके आता हूँ। काफी ज्यादा वाहियात और राजी आदमी है। सॉरी सर, मैं बस थोड़ा बिजी थी अंदर। मिसेस देवव्रत। जी, मैं मिसेस देवव्रत हूँ। आपके यहाँ तक आने में परेशानी तो नहीं हुई? तुम तो बहुत कम उम्र की हो डियर। कम उम्र? मैं कुछ समझी नहीं। एक गेस्ट हाउस चलाने के लिए तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा नहीं? ओह, हाँ, पर हर काम की एक शुरुआत होती है। मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं? घर भी पुराना है, मजबूत तो है ना, बारिश में गिर ना जाए। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, घर बिल्कुल परफेक्ट है। जी आइए मेजर, प्लीज। ये है मेरी वाइफ रोज। हेलो मिसेस रोज। नमस्ते। थैंक गॉड वी आर फाइनली हियर। एक पल को लगा था कि हम यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। 1990 के बाद पहली बार ऐसी बारिश देख रहा हूँ। जी बिल्कुल। कौन सा रूम नंबर, 3 या 4? नहीं, मैंने राज को रूम नंबर 4 दे दिया। आप लोगों को रूम नंबर 1 और 3 दे दीजिए। मेजर। यस सर। प्लीज। तुम्हें नौकरों के बिना परेशानी नहीं होती? एक्चुअली सर, हमें पास की एक औरत मदद करने आती है। आज वो जल्दी घर चली गई है। क्या? मुझे लगा था कि एक ढंग का गेस्ट हाउस होगा। सर हमने बस अभी शुरू किया है। शुरू किया है? ऐसी जगह शुरू करने से पहले पूरा स्टाफ होना जरूरी है। तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट झूठा निकला। मैं गेस्ट भी यहाँ अकेले होऊंगा, मेजर के साथ। अरे नहीं, यहाँ काफी लोग हैं। ऊपर से ये मौसम। सर अब हम मौसम के बारे में क्या कर सकते हैं? Three blind mice. Three blind mice. See how they run. See how they run. मुझे गाना बहुत पसंद है। कितनी ट्रेजी है ना इसमें? तभी से बच्चे भी पसंद करते हैं। आप हैं मिस्टर पोरवाल, आप मिस्टर राज। मिलकर अच्छा लगा। ग्रेट, ये क्या कितना अच्छा है, नहीं? आपको भी पसंद आया होगा। बच्चे, मैं उस उम्र में पहुंच गया हूं जहां घर की ब्यूटी से ज्यादा जरूरी फैसिलिटीज है। अगर मुझे यहाँ के हालात पता होते तो मैं कभी नहीं आता। आप कीजिएगा मिस्टर पोरवाल।
आपको यहाँ रहने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा। अगर आपको ये जगह पसंद नहीं है तो आप कहीं और जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। और वैसे भी हमें इतनी रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें जगह को भरने में कोई परेशानी नहीं, अगले महीने से हम रेंट बढ़ाएंगे। तुम लोग मुझे इस तरीके से भगा नहीं सकते। जब तक मैं जगह नहीं देख लेता मैं कहीं नहीं जाने वाला। मिसेस देवव्रत, मैं अपना कमरा देखना चाहता हूँ। जी आइए। शेखर, तुमने कमाल कर दिया। कितना खड़ूस बुड्ढा है। आई डोंट लाइक हिम। नहीं, ये भी कोई बात है, मतलब बर्दाश्त करने की हद होती है। आग जल रही है। ये मैंने पूछा, आप बस यही संभाल लाए? नहीं, भूल जाइए। 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खराब पड़ी है। ऐसे तूफान में आदमी खुद को बचा ले बहुत। जी लाइए। ये है मिस्टर राज। और आप? सोलंकी, मेरी बुकिंग है जी। यहाँ का मैनेजमेंट मेरी वाइफ ही देखती हैं, वो बस आती ही होंगी। कोई जल्दी नहीं है, पहले मैं थोड़ा आराम करता हूँ। लगता है इस तूफान में हम सब फंसने वाले हैं। मौसम की खबर बहुत बुरी है, यात्रियों को चेतावनी वगैरह वगैरह। उम्मीद है आपने राशन स्टोर कर रखा होगा। जी हाँ, मेरी वाइफ बहुत ही अच्छी मैनेजर है, खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा है, नहीं तो कोई हम एक दूसरे को ना खाने लगे, है ना। अखबार में और कोई खबर है मौसम के अलावा? वही पॉलिटिक्स। अरे हाँ, एक मर्डर है। मर्डर? मुझे ऐसी बातें पसंद है। उन्हें लगता है कोई सीरियल किलर है। शिमला में रिज रोड के पास एक आदमी को चाकू मार दिया। ज्यादा कुछ नहीं लिखा इसमें। पुलिस को एक आदमी की तलाश है जिसे वारदात के समय देखा गया था। काली टोपी, काला रेनकोट और एक गाड़ी कलर का मफलर पहने हुए। डिस्क्रिप्शन अच्छा है, किसी पर भी फिट हो सकता है। मरने वाले आदमी का नाम क्या है? मिस्टर मखीजा। बूढ़ा है जवान? इसमें नहीं लिखा है। ये है मिस्टर सोलंकी। मिस्टर सोलंकी, ये है मेरी वाइफ रोज। हेलो। बहुत ही बुरी रात है आज। आइए अपना कमरा देख लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। Three blind mice. See how they run. See how they run. They all run after the farmer's wife who cut off their tails with a carving knife. Did you ever see such a thing like three blind mice? सुनो शेखर, मुझे किचन में जाकर काम शुरू करना चाहिए। मेजर साहब अच्छे आदमी हैं, पर मिस्टर पोरवाल का कोई भरोसा नहीं है। खाना अच्छा होना बहुत जरूरी है, पर बनाऊं क्या? तुम ट्राई। मैं मदद करूं? मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। ऑमलेट कैसा रहेगा? आपके पास अंडे? हाँ, काफी सारे। और क्या क्या? चलिए किचन दिखाइए, शायद मैं आपकी कुछ और अच्छा बनाने में मदद कर पाऊँ। जी आइए, प्लीज आइए। इरिटेटिंग। कितने अच्छे हैं ना वो, सारा काम खुद ही करने लगे। मुझसे कहने लगे आधे घंटे बाद आना। अगर गेस्ट ही सारा खाना बनाए तो कितना अच्छा होगा। तुमने रात को सबसे अच्छा कमरा क्यों दिया? उसको वही रूम पसंद आ गया। वो
मुझे इस तरीके के लोग बिल्कुल नहीं पसंद। उनका सूटकेस उठाने में लग रहा था कि वो पूरी तरह से खाली है। ये शायद उन लोगों में से हैं जो आके होटल कीपर्स को लूटते हैं। अरे नहीं, वो अच्छा आदमी है। पर हाँ, ये मिस्टर सोलंकी बहुत अजीब है। वैसे देखा जाए हमारे सारे गेस्ट अजीब हैं, मेजर साहब को छोड़कर। मेजर साहब शराबी लगते हैं सच में? अब मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। खैर, अब फर्क क्या पड़ता है, अब तो सब आ ही चुके हैं। अब ये कौन है? लगता है रिच रोड वाला खूनी। चुप रहो, रुको मैं देखता हूँ। जी बताइए, क्या काम है आपको? बहुत बहुत माफी चाहूंगा, मैं कहाँ हूँ? रोजवेल गेस्ट हाउस। बड़ी अच्छी किस्मत है, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी, एक गेस्ट हाउस और एक सुंदर होश। मेरी गाड़ी तूफान में फंस गई है, चारों तरफ पानी पानी, जरूर बादल फटा होगा। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, फिर मैं चलने लगा इस उम्मीद में कि कोई दरवाजा दिखे, आपका घर दिखा। यहाँ तक आने में मैं दो बार गिरा, पर पहुंच ही गया। मुझे कमरा मिल सकता है? जी जरूर, पर वो थोड़ा छोटा है। यहाँ और भी गेस्ट होंगे। हाँ, आज हमारा पहला। बहुत खूब, बहुत खूब। आपका सामान? कोई जरूरत नहीं, कार में लॉक कर दिया है। मेरी जरूरतें बहुत कम है, मुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ इस बैग में है, हर एक चीज। जी आप आपके पास आकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं आपका कमरा तैयार कर देती हूँ। मतलब यहाँ काफी गेस्ट हैं? जी हाँ, बहुत खूब। द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, वो गेस्ट जिसे आपने बुलाया नहीं, वो गेस्ट जो अचानक से आया तूफान में होकर। काफी ड्रामेटिक है ना? मैं कौन हूँ आपको नहीं पता, मैं कहाँ से आया आप नहीं जानते, मैं खुद एक रहस्य हूँ। बाहर भयानक तूफान और बारिश, अब ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। कल तक हम लोग इस पूरी दुनिया से अलग होंगे, ना दूध वाला, ना पोस्टमैन, ना अखबार, कोई नहीं, कोई नहीं, सिर्फ हम सब अकेले। अच्छा है, इससे बेहतर मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। वैसे मेरा नाम विशंबर है, मिस्टर एंड मिसेस देवर। जी। और इस जगह का नाम है रोजवेल गेस्ट हाउस। जी बढ़िया, बहुत खूब, उंदा। ये तो पूरी तरीके से चीट करना हुआ, उन्होंने बताया भी नहीं था ये जगह पूरी तरीके से नहीं है। हर चीज की एक शुरुआत होती है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। सर्विस बहुत अच्छी थी, औरत सब कुछ अकेले करती है। बकवास, इनके पास पूरा स्टाफ होना चाहिए, अलग से रूम में हीटर भी नहीं है। इसके बारे में मैं अभी कंप्लेन करूंगा। वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि सबसे अच्छा बेडरूम उस अजीब लड़के को क्यों दिया गया। वो पहले आया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर, इसमें इतना भी क्या माइंड करना। एडवर्टाइजमेंट में तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, बड़ा कमरा, राइटिंग रूम, डाइनिंग रूम। बुड्ढो वाले शौक हैं आपके। क्या कहा आपने? मेरा मतलब आप सही कह रहे हैं, मैं पक्का यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। कितना अजीब लड़का है, पूरी तरह से पागल लगता है। अच्छा, कहीं पागल खाने से तो नहीं भागा है? हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं। शेखर, शेखर। हाँ। पिछला दरवाजा जाम हो गया, जरा देख लेना। आ रहा हूँ। हाँ मिस्टर शेखर, मैं आपकी मदद करता हूँ, अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। जी जी मेजर, प्लीज आइए। मैं
देखा आपने, अजीब औरत है। आग बढ़ जाए तो मजा आ जाए। ये तो कोयले का इस्तेमाल भी नहीं करते, मेहमानों पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ और बचकाना है। तुम यहाँ ज्यादा दिन रहोगे? निर्भर करता है, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है, जब वो हो जाएगा मैं वापस चला जाऊंगा। काम कहाँ है? शिमला में? नहीं, यहाँ डलाउजी में। यहाँ? हाँ। पुलिस के मुताबिक ये जुर्म रिज रोड शिमला के पास हुआ है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर मखीजा बताया जा रहा है। पुलिस को एक संदिग्ध आदमी की तलाश है, जिसे घटनास्थल के पास एक काले रंग का रेनकोट, काली टोपी और गाढ़े रंग के मफलर में देखा गया था। यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि भारी बारिश और तूफान के चलते सड़क पर गाड़ी में सावधानी रखें, मौसम के और खराब होने की संभावनाएं। रोज, रोज, कहाँ हो? आ गए तुम? बहुत सारा काम पड़ा था, वही कर रही थी। अरे वाह, अच्छा तुम आराम करो, मैं कर देता हूँ। रहने दो, मैं कर चुकी हूँ। गुस्सा हो क्या? तुम्हारे हाथ कितने ठंडे? मैं भी बाहर गई थी। क्यों, इतने खराब मौसम में तुम कहाँ गई थी? यही पास में बाजार था। फोन का बिल जमा हो गया? हाँ हो गया, लेकिन पूरा दिन इसी में बर्बाद हो गया, और ऊपर से ये बारिश और तूफान, रास्ते भी पूरी तरह से बंद है। बड़ी मुश्किल से तो गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और डीजल? हाँ वो भी मिल गया, इतना है कि एक हफ्ते तक बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा। पर हाथ पैर पूरी तरह से जम गए। तुम्हें क्या लगता है रोज, कल तक ये मौसम खुल जाएगा या मैं इस तूफान में फंसने वाले? प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं हो सकता,
कहीं पानी घर के दरवाजे तक ना भर जाए। पागल हो क्या? हमारा घर ऊंचाई पर है। हाँ, अगर तूफान इसी तरह से रहा तो हमें लकड़ियों और खाने के सामान पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे गेस्ट को कोई दिक्कत ना हो। काश सब कुछ अच्छे से हो जाए। गेस्ट के सामने फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। इज एवरीथिंग रेडी? अभी तक कोई आया नहीं? नहीं, अभी कोई नहीं। सब कुछ रेडी है, बस चली गई है। ओह, साइलेंस की प्रॉब्लम है। डोंट वरी सर, मैं जाके ठीक कर देता हूँ। मिसेस देवव्रत, बुरा न मानिए पर आपने एक बहुत ही अजीब लड़के को यहाँ रहने दिया है। वो पागलों जैसी हरकतें करता है। आपको गलतफहमी हुई है, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है। मुझे भी पता है, देखकर पता चल जाता है कौन क्या है। तुम बच्चे खुद को ज्यादा समझदार समझते हो, कितना जानती हो उसको? जितना मैं आपको जानती हूँ। वो भी मुझे एक दिन का 3,000 दे रहा है, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरे गेस्ट पसंद करते हैं या नहीं। डियर, तुम अभी छोटी और इनएक्सपीरियंस हो, इसीलिए कोई एडवाइस दो तो माना करो। सभी जानकारी कागजी तौर पर दुरुस्त होने चाहिए, बाद में कोई कानूनी प्रॉब्लम नहीं रहती। हाँ, आप ज्यादा कानून के बारे में और कौन जान पाएगा? क्या मतलब? आप मैजिस्ट्रेट थे, है ना? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो विशंबर है उसका अनहत्या नहीं था, है ना? सावधान, आपने शैतान का नाम लिया और वो हाजिर है। मैं तुमको आते हुए सुन नहीं पाया। मैं दबे पांव आया था, अगर मैं ना चाहूं तो किसी को सुनने नहीं देता। मुझे अपने लेटर्स पूरे करने हैं, मैं ड्राइंग रूम में जा रहा हूं, शायद थोड़ा गर्म हो। आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? आज सारे काम बड़ी मुश्किल से हुए। तूफान में काम करना वाकई में मुश्किल हो जाता है, शायद आसान। हाँ, बहुत आसान। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप दोनों को लोगों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए, जो लोग आपके घर में सो रहे हों, आपको उनके बारे में कुछ पता? जैसे मैं आया था तो मैंने कहा था मेरी गाड़ी तूफान में फंस गई है। आपको मेरे बारे में क्या पता? हो सकता है मैं कोई चोर हूँ, डाकू, भागा हुआ अपराधी या फिर खूनी। जी, आप ठीक कह रहे हैं, पर जिस तरीके से मिस्टर रूम में भी बहुत ठंड है, मुझे लेटर से लिखने पड़ेंगे। मैं आग थोड़ी तेज कर देता हूं। मिसेस रोज, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? क्या हुआ? शायद डस्टबिन में पानी भर रहा है। ओ गॉड, पहले पुलिस, अब ये पुलिस। अभी अभी फोन आया था, कोई इंस्पेक्टर आने वाले हैं पूछताछ करने। कोयला लगभग खत्म होने वाला है और ये तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या हुआ मिस्टर शेखर, पुलिस क्यों आने वाली है? अरे डरिए मत, कोई भी गाड़ी आ जा नहीं सकती है, सभी रास्ते बंद है, पर आगे बादल नहीं फटा है। आप शेखर देवरा थे? जी जी, मैं रवि सिंह, हिमाचल पुलिस हेडक्वार्टर से। तुम बहुत बहादुर हो इंस्पेक्टर, जितने तूफान में यहाँ है। हमारा काम ही यही है सर। जी आप ठंड से कांप रहे हैं, आइए मैं आपको तौलिया दे दूं, खुद को सुखा लीजिए। जी ये आदमी कौन है, ऐसे मौसम में कैसे आ गया? वो पुलिस वाला है, इनके पास एक्सपीरियंस होता है। आपने पुलिस को क्यों बुलाया है? मैंने नहीं बुलाया। मिसेस रोज, क्या मैं फोन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, पीछे। मिसेस रोज, आपका फोन डेड है। डेड है?
आधे घंटे पहले तो ठीक था। शायद तूफान की वजह से तार टूट गया हो। ग्रेट। अब हम बाकी दुनिया से अलग हो गए, सारे कनेक्शन बंद, मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है, सड़कें भी जाम है, मजेदार है ना? ये चौक मारने का टाइम नहीं है। कौन समझाए? मैं सिचुएशन में एंजॉय करता हूँ। लीजिए आपका इंस्पेक्टर आ गया। मिस्टर और मिसेस देवनाथ जी, अगर आपको हम लोग से अकेले में बात करनी हो तो उधर लाइब्रेरी चल सकते हैं। नहीं, अगर आप सब लोग एक साथ होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। जल्दी बताइए हमने किया क्या है। अरे नहीं मिसेस देवरत, ऐसी कोई बात नहीं, बात असल में आपकी सेफ्टी की। सेफ्टी? ये मिस्टर मखीजा के मर्डर केस से जुड़ी हुई बात है। आप लोगों ने शायद इस केस के बारे में सुना होगा। हाँ मैंने रेडियो पर सुना था, वही आदमी जिनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। यस मैडम। शेखर साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आप मिस्टर मखीजा को जानते थे? जी नहीं, कभी नाम भी नहीं सुना। उनका पूरा नाम यशलाल मखीजा था, वो चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर और चेयरमैन थे। अरे हाँ, वो फेमस दुर्घटना जिसमें रात में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के सारे बच्चे अनाथालय में लगी आग में जल के मर गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारे बच्चे नहीं मरे थे, उनमें से दो बच गए थे। दो बच्चे बच गए थे? जी हाँ, दो बच्चे। लापरवाही के इल्जाम में मखीजा दंपति को अदालत ने 10 साल की सजा और 6,00,000 का जुर्माना सुनाया था। ये केस काफी पॉपुलर था उस समय। बहुत ही बुरा हादसा था। मिस्टर मखीजा अपनी सजा काटकर कल ही रिहा, और कल ही, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनका किसी ने मर्डर कर दिया। पर कौन कर सकता है ऐसा? मैं वहीं पहुंच रहा हूं। क्राइम सीन पर एक नोटबुक मिली थी जिसमें दो एड्रेस लिखे थे, पहला रिज रोड शिमला और दूसरा रोजवेल गेस्ट हाउस। क्या? जी सर। और ये खबर मिलते ही एसपी साहब ने मुझे यहाँ भेज दिया, ये पता लगाने के लिए कि चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी केस से इस गेस्ट हाउस का या फिर यहाँ पे रहने वाले मेंबर्स का क्या रिलेशन है। जी नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। मगर एसपी साहब को ये कोइंसिडेंस नहीं लगा, वो खुद यहाँ आने वाले थे, पर खराब मौसम के चलते उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, जिससे कि मैं यहाँ मौजूद सभी इंफॉर्मेशन को जमा करके उन्हें दे सकूं और यहाँ के लोग और इस घर की सेफ्टी के लिए जो भी करना पड़े करूं। सेफ्टी? हमें किस बात का खतरा? आपके कहने का मतलब है यहाँ कोई मर सकता है? मैं किसी को डराना नहीं चाहता, पर हाँ ऐसा हो सकता है। पर क्यों? मैं वही जानने के लिए आया। इंस्पेक्टर, आपको और भी कुछ पता है? जी हाँ मिसेस देवरा, उस नोटबुक पर एड्रेस के नीचे एक लाइन और लिखी थी, 3 blind mice, और लाश के ऊपर एक कागज भी मिला था जिसमें लिखा था ये पहला है, और उसके ठीक नीचे 3 चूहों की ड्राइंग और 3 blind mice की म्यूजिकल नोटेशन भी थी। 3 blind mice, 3 blind mice, see how they run। ये सब कितना डरावना और भयानक है। उन दो बच्चों का क्या हुआ? उन दोनों में से छोटे लड़के को किसी अननोन इंसान ने अडॉप्ट कर लिया, अब वो भी पता नहीं कहां। उनमें से बड़ा लड़का अब लगभग 27 साल का हो गया, पहले वो आर्मी में था, फिर वहां से भी भाग गया, अब वो भी गायब। आर्मी में वो अजीब हरकतें करता था। आर्मी साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है, मतलब वो अपनी ही बनाई दुनिया में रहता है। तो आपका मतलब उसने ये मर्डर किया है? हाँ। मतलब वो एक पागल खूनी है और वो यहाँ किसी को मारने आएगा, पर क्यों? मुझे भी वही पता करना है। एसपी साहब का भी मानना है कि कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा। शेखर साहब, आप कह रहे थे कि आपका चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी केस से कोई लेना देना नहीं, सही? हाँ सही। और आपका मैडम? हाँ नहीं, मेरा मतलब कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ के नौकरों का क्या? जी हमारा नौकर नहीं है, सॉरी, मुझे किचन में काम है, मैं जा सकती हूँ? जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों से कुछ पूछ सकता हूँ? पर क्यों, हम लोग कल ही आए हैं, एक साथ रुके हैं, हमारा इस जगह से कोई लेना देना नहीं हो सकता। पर आपने यहाँ पे आने की प्लानिंग और बुकिंग पहले से ही करवाई थी? हाँ सबने, सिर्फ मिस्टर विशंबर। मैं इस तूफान में फंस गया था।
देखिए आप लोग गलत मत समझिए, अगर कोई आपका पीछा कर रहा होगा तो उसे पता होगा कि आप यहाँ आएंगे। अब मुझे एक बात जाननी, आप में से किसका चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी केस से कनेक्शन? आप लोग को पूछताछ में सहयोग करना चाहिए, आप में से कोई एक बहुत बड़े खतरे में है। कौन है? ठीक, मैं एक एक करके पूछता हूं, क्योंकि आप यहां गलती से आए। पहले आप इंस्पेक्टर, आपने जो कुछ भी बताया मुझे उसके अलावा कुछ नहीं पता। और आप सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मुझे क्यों घसीटा जा रहा है, ऐसी चीजों से मेरा कोई लेने देना नहीं हो सकता। ओ सर, आप? मैंने कभी चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी केस का नाम तक नहीं सुना, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और आप सर? हाँ, केस के बारे में अखबार में पढ़ा था, लेकिन उस समय हमारी पोस्टिंग लद्दाख में थी, इसके अलावा कुछ नहीं पता। मिस्टर, आप? तब मैं छोटा था, मुझे ठीक से याद नहीं। किसी को और कुछ कहना है? देखिए, अगर आप लोगों में से कोई मरता है तो उसमें मेरी गलती नहीं हो। शेखर साहब, क्या मैं आपका पूरा घर देख सकता हूँ? Why not? जी चलिए। वेट, कमाल का पुलिस वाला है, कितना डेमेटिक है सब ना। क्या थी वो ट्यून? Three blind mice, see how they run. क्यों, आपको पसंद नहीं आई? ये तो उसी मर्डर की सिग्नेचर ट्यून है, सोचिए उसे कितना मजा आया होगा। तुम बेकार के बात करने के आदि हो, मैं नहीं मानता ये सब। सब यकीन मिस्टर गोपाल, जब तक मेरे हाथ आपके गले तक नहीं। Stop! Enough! ये बहुत ही भद्दा मजाक था। ये उसी पागल आदमी का ही तो मजाक है, तभी तो मजेदार है। आप सबको अपनी शक्लें देखनी चाहिए थी। बहुत ही बदतमीज और पागल लड़का है। शेखर कहाँ है? पुलिस वाले को घर का टूर करवाने गए। वो लड़का बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है। वो डरा हुआ है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। वो डरा हुआ है? डरने वाले लोग मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं डरता किसी से। नहीं डरते? तब तो आपके लिए अच्छा है। क्या मतलब? एक बात बताइए, आप उस कमीशन के हेड थे ना, जिसको चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी केस के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैं उस कमीशन का हेड था, लेकिन बाकी सदस्य ने मुझे जो रिपोर्ट दी थी मैंने अदालत को सौंप दी थी। मैंने अपना दायित्व निष्पक्ष तरीके से निभाया था। मुझे पता था आप इसका कनेक्शन उस केस से। आप चाहे जितना अच्छा काम करें, लोग सिर्फ कमियां निकालते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आदमी बिल्कुल नहीं पसंद। वो कल आया कहाँ से? मुझे नहीं पता, उसने बताया भी नहीं। काफी अजीब है, नजदीक से चेहरा देखा, जरूर उसकी एज ज्यादा होगी। चलता तो ऐसे जैसे बहुत जवान हो, पर ऐसा है नहीं। लकड़ी खत्म हो गई है, मैं लेकर आता हूँ। बहुत ही मनहूस गाना है ये। ऐसा क्या इस गाने में? बचपन की याद दिलाता है, बस डिपेंड करता है कि आपका बचपन कैसा रहा होगा। मेरा बचपन बहुत अच्छा था। आप लकी थी। क्यों, आप नहीं थे?
नहीं। ओह सॉरी, मुझे आपको दुखी करने का कोई इरादा नहीं था। अरे ये पुरानी बातें, लोग भूल जाते हैं। हाँ शायद, या शायद नहीं, कहना मुश्किल है। कहते हैं बचपन का असर बहुत गहरा होता है। बस डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है। क्या कोई प्रॉब्लम है? कभी कभी मुझे खुद पता नहीं होता कि मैं क्या कह रही हूँ। छोड़िए मिसेस रोज, हमारा पास तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद कुछ ना चाहें। अंदर तो सब कुछ ठीक। ये कर क्या रहा है? पता नहीं। पर मुझे इस घर का नक्शा समझना है। मेरे सारी बातें गौर कर ली, सब चीज नॉर्मल है। मैं एसपी साहब को बता देता हूं। अरे क्या आप में से किसी के मोबाइल में नेटवर्क है? जी कई दिनों से सर्वर यहाँ पूरी तरह से जाम है। क्या अक्सर ही ऐसा हो जाता है? जी नहीं। और कोई फायदा नहीं, वो भी डेड है। क्या ये कब हुआ? इनके आने की जल्दबाजी मेजर ने ट्राई किया था। पहले तो चल रहा था, एसपी साहब ने खुद बात की थी। जी हाँ, पर उसी के बाद ही शायद लाइन खराब हो गई। खराब हो गई या खराब कर दी गई, पर कौन कर सकता है? आप अपने गेस्ट के बारे में कितना जानते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, पर जब से बोलो साहब, अगर हमें कोई मारना चाहता है वो ऐसे मौसम में आ ही नहीं सकता। मौसम की वजह से हम लोग सेफ हैं। हाँ अगर वो यहाँ पहले से नहीं है तो। पहले से? पहले से क्यों नहीं हो सकते? ये लोग कल ही आए हैं ना। मिस्टर मखीजा के मरने के ठीक कुछ घंटों बाद। हाँ पर मिस्टर विशंबर के अलावा यहाँ सबकी एडवांस बुकिंग थी। अच्छा तो ये सब कुछ पहले से ही प्लान था? सब कुछ? माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अभी केवल एक मर्डर हुआ है, वो भी रिच रोड में शिमला पर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये सब कुछ मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत नहीं, हमारे पास सबूत है। इंस्पेक्टर साहब आपको पता है वो आदमी दिखता कैसा है? गाढ़े रंग का रेनकोट, मफलर से चेहरा ढके हुए, मीडियम हाइट का है। यहाँ पे तीन रेनकोट टंगे जी, एक मेरा और बाकी दो गेस्ट के। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे तो इस टेलीफोन की चिंता है, अगर किसी ने इसका तार जानबूझकर काटा। सॉरी मुझे किचन में काम है। यहाँ कोई दूसरा फोन है? जी आपने कुछ कहा? यहाँ कोई दूसरा फोन है? जी मेरे बेडरूम में। जरा उसको चेक करिए प्लीज। दरवाजा कौन खुला छोड़ गया? प्रोग्राम नहीं रहते।
ये क्या, ये लाइट किसने बंद कर दी? ये कैसे हुआ? याद कीजिए। मुझे कुछ भी अच्छी तरह से याद नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मिस्टर पोरवाल के मरते ही आप तुरंत अंदर आई थी, आपने कुछ देखा या सुना होगा? कमरे में बहुत सन्नाटा था और किसी ने लाइट ऑफ कर दी थी। जरूर यह खूनी ने किया होगा। हाँ, मैंने शायद दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज सुनी थी। कौन सा दरवाजा? मुझे नहीं पता। जरूर खूनी ने आपको आते हुए सुन लिया होगा और झटके में किसी दरवाजे से भागा हो। मिसेस रोज याद कीजिए, कौन सा दरवाजा था, पास का कोई या लेफ्ट का? मुझे नहीं पता। उसको और परेशान करना बंद करोगे? उसकी हालत देख रहे हो? शेखर साहब, यहाँ एक मर्डर हुआ है, मर्डर। आप लोगों ने अभी तक मेरी बात को सीरियस नहीं लिया, मिस्टर पोरवाल ने भी नहीं। उन्होंने सब कुछ छुपाया और आप लोगों ने सच नहीं बताया। अब अगर जल्दी हमने कुछ नहीं किया तो अगली बारी हम में से किसी की हो। कोई और भी? पर क्यों? क्योंकि वो तीन चूहे थे। पर चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से यहाँ का कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। वो तो है। मिस्टर मकीजा की डेड बॉडी के पास मेरे नोटबुक में दो एड्रेस थे। पहला रिज रोड, जहां पर एक इंसान था, मतलब एक चूहा जो मर चुका है, और अब यहां रोजवेल गेस्ट हाउस में ज्यादा चांसेस है। तीसरा चूहा हमारे बीच ही। ये पॉसिबल ही नहीं है कि चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से दो लोग बाय चांस की जगह मौजूद हो। जिस तरह के हालात यहां बन गए हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई कोइंसिडेंस होगा। जरा देखते हैं, मिस्टर पोरवाल के मर्डर के समय आप लोग कहां मौजूद थे? मिसेस रोज ने बताया कि वो किचन में थे। किचन से जब वो बाहर आई, कॉरिडोर से होते हुए हॉल में पहुंची, लाइट ऑफ थी। उन्होंने लाइट ऑन की और जैसे ही वो आगे बढ़ी, उनकी नजर मिस्टर पोरवाल पर पड़ी और वो चिल्लाए। हाँ, और मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी लोग अंदर आए। और आप सब लोग लगभग अलग अलग तरफ से एक साथ अंदर आए। मिस्टर पोरवाल के मर्डर से पहले जब मैं बाहर निकला था, शेखर साहब आप अपने बेडरूम में गए थे टेलीफोन चेक करने। जब मिसेस रोज चिल्लाई तब आप कहां थे? जी, मैं अपने बेडरूम में ही था। दूसरा टेलीफोन भी डेड है। और फिर मैं वही खिड़की से देखने लगा कि कहीं फोन का वायर कटा हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं दिखा। फिर मैंने खिड़की बंद करी, तभी रोज चिल्लाई। इतना सही काम करने में आपको ज्यादा समय नहीं लग गया? हाँ, शायद उस समय मैं कुछ सोचने लगा था। मिस्टर राज, आप कहाँ थे? पहले मैं किचन में था, मिसेस रोज की मदद कर रहा था, फिर बेडरूम में चला गया। क्यों? बेडरूम में जाने का कारण चाहिए, मैं अकेले रहने का मन था। आप बेडरूम में अकेले रहने के लिए गए थे? और कंघी करने, मैं मतलब तैयार होने। तुम कंघी कर रहे थे?
हाँ मैं कमरे में ही था। मिसेस देवरत की आवाज सुनी? हाँ। और तुम दौड़कर गैलरी से अंदर आए? हाँ। कमाल, आप और शेखर साहब गैलरी में टकराए नहीं? उनका कमरा गैलरी के आखिरी में पड़ता है, मैं दौड़कर उनसे पहले आ गया। पहले या बाद में? ठीक ठीक से याद नहीं। मैंने बताया आपको मैं ड्राइंग रूम में पियानो बजा रहा था। किसी ने आपको बजाते हुए सुना? मुझे नहीं लगता, मैं बहुत आराम से बजा रहा था। तुम थ्री ब्लाइंड माइस बजा रहे थे? हाँ, ये ट्यून ही ऐसी है, आसानी से दिमाग से जाती ही नहीं। मुझे बहुत मनुष्य लगती है। फिर भी दिमाग से नहीं जाती। हाँ, पर कोई सीटी भी बजा रहा था थ्री ब्लाइंड माइस की। सीटी कहाँ? पता नहीं, शायद इसी हॉल में या फिर गैलरी में, कुछ कह नहीं सकता। थ्री ब्लाइंड माइस की धुन की सीटी कौन बजा रहा था? विशंबर साहब, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? जी नहीं इंस्पेक्टर। ठीक, आगे बताइए। आप ड्राइंग रूम में पियानो बजा रहे थे और फिर मैंने रेडियो की आवाज सुनी, उसके कुछ ही देर बाद मुझे मिसेज रोज की चीख सुनाई पड़ी। शेखर साहब अपने रूम में, मिस्टर राज अपने रूम, विशंबर साहब ड्राइंग रूम में पियानो पर। सोलंकी साहब, आप कहाँ थे? मैं लाइब्रेरी में लेटर लिख रहा था। आपने सुना यहाँ क्या हो रहा था? नहीं, मिस रोज की चिल्लाने से पहले मैंने कुछ नहीं सुना। उसके बाद? मैं यहाँ आया तुरंत। शायद। पर आप लाइब्रेरी में लेटर लिख रहे थे। हाँ। और आप दौड़ कर तुरंत अंदर आए। पर लाइब्रेरी में कोई अधूरा लेटर नहीं है। क्योंकि वो मेरे पास है इंस्पेक्टर। डियर सिशान, दोस्त है रिश्तेदार, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। शायद नहीं, अगर मैं किसी रूम में बैठकर लेटर लिख रहा हूं और मुझे किसी की चीख सुनाई पड़ती तो मुझे नहीं लगता कि मैं पहले लेटर को फोल्ड करूंगा और फिर अपने जेब में डालूंगा और फिर बाहर आकर देखूंगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मेजर साहब, आपने बताया कि आप बेसमेंट में गए, मैं जान सकता हूँ क्यों? बस ऐसे ही, मैं घूम रहा था, मैंने किचन की साइड में एक छोटा सा दरवाजा देखा जो बेसमेंट का था, मैं उससे होकर नीचे चला गया। वैसे आपका बेसमेंट काफी अच्छा है। आप थोड़ा सीरियस होंगे? मिसेस रोज ने अभी बताया कि उन्होंने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और बेसमेंट का दरवाजा आवाज करता है। ऐसा हो सकता है कि मिस्टर पोरवाल को मारने के बाद खूनी ने मिसेस रोज की आने की आवाज सुनी और वो उसी दरवाजे से भागा। होने को तो कुछ भी हो सकता है। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारे बीच ऐसा एक ही इंसान है जो बिना बुलाया है। शेखर साहब, मैं यहाँ आया था। हाँ ठीक है, शेखर साहब। शुक्रिया। अब हमें यह देखना है कि किसके पास खून करने का मौका और वजह दोनों थी। और रही बात खून करने के मौके की, तो वो तो सभी के पास ऐसा इसलिए क्योंकि मर्डर के समय आप सभी अकेले थे और इस घर में कोई भी कहीं से आ जा सकता है। पर आप सब पे शक कैसे कर सकते हैं? एक मर्डर केस में हर किसी पे शक किया जाता है। देखिए इंस्पेक्टर, आप जानते हैं कि रिच रोड पर उस औरत को किसने मारा? कूनी उन्हीं बच्चों में से एक है जो बड़ा हो चुका है, जिसपे ज्यादा शक है, यानी बड़ा लड़का, और वो एबनॉर्मल है। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पे ऐसा एक ही लड़का है। ये गलत है, ये गलत है, आप सब मेरे खिलाफ हैं। आप सब मुझे बता सकते हैं? मैं जाऊँ क्या? मैं जाऊँ? मिसेज रोज, आप तो जानती हैं मैं क्या करती हूँ। मैं जाऊँ? ऐसे कैसे करते हैं? सब ठीक है, कोई तुम्हारे लिए नहीं है। इंस्पेक्टर, इसको बताइए कि सब ठीक है, आप इस अरेस्ट नहीं करेंगे ना? फिलहाल तो मैं किसी को अरेस्ट नहीं कर रहा, उसके लिए मुझे और भी सबूत चाहिए। तुम्हें हो क्या गया है रोज? और आप, हम सब जानते हैं इस घर में ऐसा एक ही इंसान है जो खूनी से पूरी तरह से मेल खाता है, आपको उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। शेखर, तुम्हें क्या हो गया है? इंस्पेक्टर, क्या मैं आपसे अकेले बात कर सकती हूँ? बेशक, आप सब लोग डाइनिंग रूम में चले जाएं।
मैं यही हूँ। नहीं शेखर, तुम भी। मैंने कहा ना रोज मैं यही हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शेखर प्लीज। मिसेस रोज, बात क्या है? इंस्पेक्टर साहब, आप मानते हैं कि खूनी, मतलब ये खूनी, उन दो लड़कों में से एक है, पर आपको पूरी तरह से यकीन नहीं है, है ना? सच बताऊं तो मुझे किसी चीज पर यकीन नहीं। हमें बस इतना पता है कि चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी केस में गिरफ्तार आदमी जो उसके ओनर थे वो मर चुके हैं, और मिस्टर पोरवाल जो उस इन्वेस्टिगेशन के बने कमीशन हेड थे वो भी मारे जा चुके हैं, और टेलीफोन का तार भी काटा गया है। पर फोन का तार तूफान में टूट भी सकता है। टेलीफोन का तार काटा गया है जानबूझकर फ्रंट डोर के सामने से। क्या? मिसेस रोज बैठ जाइए। बस एक संभावना है, मेंटली एबनॉर्मल, अजीब हरकतें, आर्मी से भाग जाना, साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट, बस एक संभावना है। मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं, आपका शक राज पर है ना, पर ऐसा नहीं है, कोई और भी हो सकता है। जैसे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अनाथ आश्रम से जुड़ा हुआ रहा हो और अदालत की कार्यवाही से संतुष्ट ना हो। हो सकता है। अच्छा ये बताइए, उस दूसरे बच्चे को गोद लेने वाले शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? हो सकता है ये वही आदमी हो जिसने उस घटना से दुखी होकर उस बच्चे को गोद लिया हो। हो सकता है, लेकिन अडॉप्ट करने वाले उस शख्स को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब आप लोगों को नहीं पता कि इस वक्त कहां होगा? जरा सोचिए, उस शख्स को रोज वो बच्चा आग में झुलस रहे बच्चों की दर्दनाक यातनाओं को बताता रहा होगा, और ये सुनते सुनते एक दिन उस शख्स ने उस केस में लापरवाह रहे लोगों को खुद सजा देने की ठान ली। ये सिर्फ एक कहानी, पर ऐसा हो सकता है। कई संभावनाओं में ये एक संभावना भी हो सकती। अगर ऐसा है तो खूनी उम्र में बड़ा यानी बूढ़ा भी हो सकता है। अरे हाँ, जब मैंने पहली बार पुलिस के फोन का जिक्र किया था तो मेजर काफी परेशान हो गए थे, बहुत डरे हुए थे वो। मेजर, मेजर, एक पूरा रिटायर्ड सैनिक जो गुनहगार को बदलने से ज्यादा उसे खत्म करना जरूरी समझते हैं। हाँ, ये सोच उनके बातों में भी झलकती है। इसका मतलब राज सस्पेक्ट नहीं है, मेजर भी हैं। कोई और सजेशन? अरे हाँ, जब मैंने पहली बार बताया था कि पुलिस आने वाली है तो विशंबर के हाथ से रोड छोड़ गया था। विशंबर साहब, में जितनी उम्र का लगता है ना वो, उससे कहीं ज्यादा है वो। अपने चलने के अंदाज से अपनी एज को छुपाता है। कभी कभी तो लगता है उसने अपना चेहरा भी बदल रखा है। आप ये सारी बातें इसलिए कर रही हैं कि मैं राज पर शक ना करूं। वो कितना कमजोर है और परेशान भी। आपकी कहानी के अनुसार गोद लेने वाला शख्स आदमी के बजाय औरत भी हो सकती है, तो यह भी हो सकता है कि खून किसी औरत ने किया। आप उस पर शक कर रहे हैं? एक औरत चेहरे को मफलर से ढके, रेनकोट पहने, सर पे झुकी हुई टोपी, बोलने की जगह फुसफुसाना, आप क्यों नहीं हो सकती? लेकिन मैं नहीं। अब आप और भी कुछ कहेंगे उसकी जांच पड़ताल मैं अभी नहीं कर सकता, उसका कोई फायदा नहीं। आप अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहें? शेखर, क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, संभावना। आप अपने हस्बैंड के बारे में कितना जानती है? ये सवाल है, वो मेरा हस्बैंड है। आपकी शादी को कितना समय हुआ? एक साल। आप दोनों कहाँ मिले थे? शिमला में एक पार्टी में। और उसके घर वाले? उसके घर में कोई नहीं है, वो अनाथ है। ऐसे शख्स को अनाथ बच्चों से ज्यादा सिंपैथी हो सकती है। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर, मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ। आप कुछ नहीं जानती, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, आप बस वही जानती हैं जो उसने आपको बताया। आजकल ऐसा बहुत होता है, आप किसी से मिलते हो पार्टी में और फिर पहली ही नजर में आपको उससे प्यार हो जाता है, और फिर बिना बैकग्राउंड जाने आप उससे शादी कर लेते हो, और फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। ये सच नहीं है। मिसेस रोज, अच्छा ये बताइए,
जब रिज रोड पर खून हुआ था उस वक्त आपके पति कहाँ थे? वो शिमला गए थे फोन का बिल और डीजल लेने। कब लौटा? देर शाम को। मिसेज रोज, मुझे अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर, आपको कोई गलत कहनी हुई है। उसने मुझको बताया कि फोन का बिल जमा करने में वक्त लग गया। ऐसा अक्सर होता रहता है। मैंने कहा ना, मुझे अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये रेनकोट आपके हस्बैंड का ही है ना? पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। सच में? उम्मीद है आप सच कह रहे। मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूं। तुम्हारी माँ कहाँ है? सब कुछ ठीक होता अगर वो जिंदा होती। मैं घर नहीं जाता, मेरे खाते में मेरा बाप पैसे कम नहीं होने देता। देखो राज, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, हमें कभी ना कभी उनको फेस करना ही होता है, आगे बढ़ना ही होता है। मैं नहीं कर सकता। कर सकते हो, सब करते हैं। मुझे ही देख लो। मतलब तुम भी? नहीं छोड़ो। क्या हुआ था? कुछ बहुत बुरा। क्या ये शेखर से रिलेटेड है? नहीं, शेखर से मिलने से काफी पहले की बात है। तब तो तुम बहुत छोटी रही होगी। हाँ, छोटी तो थी, एकदम ना समझ, इसलिए तो वो सब हुआ। मुझे अपने दिमाग में नहीं लाना। मतलब तुम भी भाग रही हो? हाँ, शायद ऐसा ही है। हम दोनों में कितना कुछ कॉमन है। तुम मुझे यहां से जाने का कोई तरीका बता सकती हो? ये बेवकूफी होगी राज, इतने तूफान में जाना पागलपन है। और अगर तुम यहाँ से गए, दोषी तुम ही साबित होगे। वो इंस्पेक्टर मुझे पहले से दोषी समझता है। ऐसा नहीं है राज। मैं जानती हूँ वो बहुत कुछ सोच रहा है,
उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो जानबूझकर ऐसी बातें करता है कि सामने वाला उसकी बातों पर यकीन करने को मजबूर हो जाएगा। कैसी बातें? उसका मानना है कि शेखर भी, क्योंकि उस दिन शिमला में था। पर ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। पर ऐसा हो भी तो सकता है, यही तो उस इंस्पेक्टर का हुनर है। उसकी बातें आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं और आपको हर कोई अजनबी दिखाई पड़ता है। कोई जरूरत नहीं है शेखर, हमें ज्यादा शाही खाना नहीं चाहिए। तुम गलत समझ रहे हो, तुम मेरे किचन और मेरी पत्नी से दूर रहो, तुम उसको नहीं मार पाओगे। तो तुम्हें लगता है कि मैं वो खून हूं? हां, इस घर में सिर्फ एक ही किलर है और तुम उससे पूरी तरह से मेल खाते हो। सिर्फ मैं उस खूनी से मेल नहीं खाता हूं, तुम अंधे हो, तुम्हें सच नहीं दिखाई दे रहा। तुम जाओ। नहीं राज, प्लीज आ जाओ। तुम्हें हो क्या गया है रोज? तुम्हें किलर के साथ किचन में जा रही थी। वो किलर नहीं है। उसको देखकर ही लगता है कि वो एक संकी पागल है। वो बस दुखी है, उससे मुझे किसी और को कोई खतरा नहीं है और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। मिस्टर पोरवाल ने भी यही कहा था। शेखर बस करो, मुझे फेस करो। बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे सिर्फ उससे सिंपैथी है और कुछ नहीं। मुझे पता है वो तुम्हें कल से ही अट्रैक्टिव लग रहा है। शेखर तुम्हें क्या हो गया है? पागलों जैसी बातें करने लगे हो। हाँ, पागल हूं मैं, क्यों नहीं, पागल होना कितना अच्छा होता है। शेखर तुम हो क्या? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मियां बीवी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, आप दोनों को देखकर लगता है कि आपकी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ। जी सर, ये हमारा पर्सनल मैटर है। जी हाँ जरूर, समझ सकता हूँ। मैं तो बस इतना बताने आया था कि फ्रंट डोर लॉक है और चाबी नहीं मिल रही। इंस्पेक्टर काफी गुस्से में है। राज! क्या? इंस्पेक्टर पूछ रहे हैं आपको पता है चाबी कहाँ है? नहीं, दरवाजे में लगी थी, मैंने खुद लगाई थी। किसी ने दरवाजा जानबूझकर बंद कर दिया। आपको बाहर जाना था इस मौसम में? हाँ, मौसम अभी भी खराब, पर मैं पुलिस स्टेशन जाना चाह रहा था मदद के लिए। यहाँ कुछ और पुलिस वालों का होना जरूरी। ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं चाहता आप बाहर से मदद लेकर आए, या कोई नहीं चाहता कि कोई यहां से भागने की कोशिश करे। तुमने अभी भी राज का नाम क्यों लिया था? आपका आर्किटेक्ट भाग गया। ग्रेट, वो सच में भाग गया क्या? थैंक गॉड राज तो भाग गया। मिस्टर राज, आपने फ्रंट डोर की चाबी देखी है? फ्रंट डोर की चाबी? नहीं तो देखिए, ये बहुत ही सीरियस, यहां कोई नहीं चाहता कि यहां पे कोई आए या फिर यहां से कोई बाहर जाए। सबको यहां बुला कर लाओ अभी। सोरंकी साहब काफी देर से अपने रूम में हैं। मैं बुला कर लाती हूँ। मेजर साहब डाइनिंग रूम में हैं। मेजर साहब, मेजर साहब, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। किसी ने मुझे बुलाया? किसी ने फ्रंट डोर बंद करके चाबी गायब कर दी। मैंने कभी दरवाजे की चाबी देखी ही नहीं। मैं तो जब से उधर गया ही नहीं हूँ। पर आप में से किसी ने तो फ्रंट डोर बंद कर चाबी गायब की। क्या मिस्टर पोरवाल के मरने के बाद आप लोगों में से कोई एक बार भी फ्रंट डोर के सामने से नहीं गया? इंस्पेक्टर तुम इस तरह सब पे चिल्ला नहीं सकते। देखिए मेजर, यहाँ एक खून हुआ, एक खून, नीचे बेसमेंट में एक लाश पड़ी है और फ्रंट डोर भी बंद है। लेकिन इससे हर कोई दोषी नहीं हो जाता। लेकिन हम सब एक साथ, और अगर चाहे तो चाबी ढूंढ भी सकते। फिर मैं बाहर जाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन से मदद ले आऊंगा। चाबी जैसी छोटी चीज ढूंढना इतना आसान नहीं इंस्पेक्टर, वो भी तब जब उसे गायब किया गया हो। हम फ्रंट डोर तोड़ भी तो सकते हैं। वो चाहे कुछ भी करे, अब मैं किसी और का खून नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर। आपको लगता है कि ये खून और होने वाला है? आपको अभी भी मेरे बात पर शक है? तीन चूहे, दो चूहे खत्म, एक चूहा अभी भी बाकी।
आप छह लोग और एक खूनी। मुझे नहीं पता वो खूनी कौन, पर मैं उसे जल्द ही पकड़ लूंगा। पर मिस्टर पोरवाल की तरह आप मुझसे कोई बात मत छुपाइए। जो भी छुपा रहा है मत करो, तुम्हें खतरा है। जो दो खून कर चुका है वो तीसरा भी कर सकता है। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अब भी वक्त है, तुम चुप रहे तो बहुत देर हो जाएगी। पर एक बात ध्यान से सुनो, खूनी को इसमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। अब भी किसी को कुछ नहीं कहना, ठीक है? फिर आप सब जा सकते हैं। किचन में चलते हैं, देखते हैं कि लोगों के लिए क्या बना सकते हैं, अच्छा रहेगा। मैं अपनी वाइफ का ध्यान खुद रख सकता हूँ। शेखर, कमाल है। आपके हस्बैंड को आपकी चिंता है, वो नहीं चाहता कि आप मेरे साथ अकेले आए। उसे मेरे खतरनाक होने का डर है, अश्लील होने का नहीं। बेगुनाह होते हुए भी खुद को बेगुनाह साबित करना कितना मुश्किल है ना? पर दोषी, Three blind mice. Please, चुप करो। पर ये गाना कितना कमाल का है, उसने चाकू से चूहों की पूंछ काट दी, खच खच खच। ऐसी चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। हम लोग बचपन से ही कितने निर्दयी होते हैं, और जैसे जैसे आप ये बकवास करना बंद करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मिस्टर पोरवाल का चेहरा, उनकी निकली हुई आंखें, मैं उसे भुला नहीं पा रही। चीजें भूलना वाकई में मुश्किल है, और आप तो हैं ही इमोशनल किस्म की, कुछ भी भूल नहीं पाती मुझे किचन में काम है विशंबर साहब, आपको पता है आपने क्या किया? हाँ, बस एक छोटा सा मजाक, मैं ऐसा करता रहता हूँ। इसे आप मजाक कहते हैं? घटिया बंद है। कहना क्या चाहते हैं आप? आपकी कार का तूफान में फंसना, ये भी एक मजाक ही। डिपेंड करता है आप इसे कैसे देखते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आप जा कहाँ रहे? एक दोस्त से मिलने। इस इलाके में? हाँ, बस यहाँ से थोड़ा सा दूर। और आप आ कहाँ से रहे थे? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में कहाँ? गोल्डन पैलेस होटल। बहुत खूब। और आपका परमानेंट एड्रेस? मुझे परमानेंट चीजें पसंद है। आप काम क्या करते? मैं मार्केट संभालता हूँ। स्टॉक ब्रोकर? आप गलत समझ रहे हैं विशंबर साहब, आप अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। ये मत भूलिए कि आप भी एक मर्डर केस का हिस्सा है। ठीक है, नहीं बोलूंगा। अब क्या है, सीरियस इंटरव्यू खत्म हुआ? हाँ, अभी के लिए। मैं जाकर दरवाजे की चाबी खोजता हूँ, क्या पता किसी ने पियानो के अंदर छुपा दी हो। एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, आ करें, हाँ बैठ जाइए। आप हमारी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। हाँ, तो इससे क्या साबित होता? मुझे आपसे भी कुछ पूछना है। आप यहाँ किस लिए आए? मुझे किसी शांत जगह जाना अच्छा लगता है। और आप यहाँ कितने दिन रुकने वाले? जब तक कि मेरा काम ना हो जाए। कैसा काम? कैसा काम? क्या? आप यहाँ क्या काम करने आए? सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। पर आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सॉरी इंस्पेक्टर, ये बहुत ही प्राइवेट बात है।
आपको यहाँ कितने लोग जानते? मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं ज्यादातर बड़े शहरों में रहता हूँ। दिल्ली? हाँ दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। सोलंकी साहब, आपको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। क्या फर्क पड़ता है? आप बहुत कुछ छुपा रहे। आपके लिए जो जरूरी है मैं वो बता रहा हूँ। तो फिर आप क्यों नहीं बता रहे? आखिर में वो कौन सा काम है जिसके लिए आप यहाँ आए? इंस्पेक्टर साहब, आप समझ क्या करना चाहते? मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप शहर दर शहर किसे ढूंढ रहे हैं। ये मेरा निजी मामला है, कुछ चीजें इंसान कभी नहीं भूलता। हाँ, जैसे दुख, दर्द। हाँ शायद अच्छा होता कि मैं कभी आया ना होता। आप मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय केवल बातों को घुमा रहे। आप खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। ये मत भूलिए कि पुलिस के पास और भी तरीके होते हैं। आपका मतलब थर्ड डिग्री? आप मुझ पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करेंगे? क्या करेंगे आप? मुझ पर हाथ उठाएंगे, मेरे नाखूनों को गाड़ेंगे या मेरे विश्वास में भेद मारेंगे? आप फिर मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मैं बस कुछ सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ सोलंकी साहब। मैंने सुना पुलिस लोगों को थर्ड डिग्री नहीं दे सकती है। तुम बस सबको परेशान कर रहे हो। आप ठीक हैं? I'm all right. मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, कोई जरूरत हो तो बुला लेना। hey, यकीन नहीं होता। ऐसा लगता है तुमने भूत देख लिया इंस्पेक्टर। नहीं, पर मैंने ऐसा कुछ देख लिया जो मुझे बहुत पहले ही देख लेना चाहिए था। मतलब पुलिस को सुराग मिल गया? हाँ मिस्टर राज, सबको यहाँ बुला कर ला अभी। मिस्टर शेखर और मिसेज रोज किचन में, मैं मेजर के साथ था, चाबी ढूंढ रहा था, पर विशंबर का है मुझे नहीं पता। विशंबर साहब को मैं बुलाता, आप बाकी सबको बुला कर। विशंबर साहब, विशंबर साहब, हाँ बताइए इंस्पेक्टर। अब क्या हो गया? मेजर साहब बैठ जाइए, मिसेज रोज बैठ जाइए। मैं किचन में काम छोड़कर आई हूँ। कुछ खाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, जैसे मिस्टर पोरवाल अब कुछ नहीं खा सकते। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर। सॉरी पर ये जरूरी है। शेखर साहब, सोलंकी साहब अपने कमरे में, उनको लेकर आइए। चाबी मिल गई इंस्पेक्टर? नहीं, पर मुझे पता चल गया है कि कौन ले गया। फिलहाल इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। बिल्कुल, कुछ भी बताने से पहले आपको आखिर तक रुकना चाहिए। यहाँ कोई खेल नहीं हो रहा। ये खेल ही हो इंस्पेक्टर, ये सब बस किसी के लिए खेल ही है। आप ही ने तो कहा था खूनी को इसमें बहुत मजा आ रहा है। कुछ खास हुआ क्या? सोलंकी साहब बैठ जाइए। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। मिस्टर पोरवाल के मरने पर मैंने सबसे पूछताछ की थी, सबके स्टेटमेंट लिए थे कि मर्डर के समय कौन कहां मौजूद था। आप लोगों ने बताया मिसेज रोज किचन, शेखर साहब और मिस्टर राज अपने अपने बेडरूम में, सोलंकी साहब लाइब्रेरी में लेटर लिख रहे थे, विशंबर साहब ड्राइंग रूम में पियानो पर, और मेजर साहब आप बेसमेंट में थे। हाँ सही है। आप लोगों ने ये सारी बातें मुझे बताई। अब इनमें से पांच लोग सच बोल रहे हैं और एक झूठ। जो झूठ बोल रहा है वही खूनी। जरूरी नहीं है, दूसरे कारण भी हो सकते हैं। पर मुझे पूरा विश्वास। पर ये कैसे पता करोगे? उसी सिचुएशन को दोहराकर, वही पुराना तरीका, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम। ये तरीका कितना अजीब है, और आपको इससे पता क्या चलेगा? मैं ये अभी नहीं बता सकता, पर यही एक रास्ता बचा है। मतलब हम लोग सब कुछ रिपीट करें? जी शेखर साहब, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग वही काम करें इससे पहले जो आप लोगों ने किया था। ये बकवास है, पता नहीं इससे आपको क्या हासिल होगा। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे किचन में काम है। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप सबको देखकर लगता है कि आप सभी दोषी। मुझे नहीं लगता ऐसा करने में कोई नुकसान है, हम ऐसा कर सकते हैं, है ना रोज? ठीक है मिस्टर राज। सोलंकी साहब आप
और आप मेजर साहब? हाँ। और आप पिशंबर साहब? हाँ, मैं भी। तो हम सबको वही करना होगा जो हम सब पहले कर रहे थे जब मिस्टर पोरवाल का खून हुआ। हाँ, सब कुछ वैसे। मैं जाकर खूनी की सिग्नेचर वाली ट्यून बजाता हूँ। एक मिनट रुकिए पिशंबर साहब। पियानो आप बजा सकती हैं? हाँ। थ्री ब्लाइंड माइस की धुन आती है? हाँ, किसे नहीं आती। बढ़िया, तो आप ड्राइंग रूम में जाकर थ्री ब्लाइंड माइस की धुन बजाएंगे जैसे विशंबर साहब बजा रहे थे। सबके जाने के बाद 20 तक गिनने के बाद शुरू कीजिए। पर मुझे लगा था कि हम सब वही करेंगे जो हमने पहले किया था। जरूरी नहीं वही लोग काम रिपीट करें। मुझे ऐसा करने का कारण समझ नहीं आ रहा। कारण है, मुझे सबके स्टेटमेंट चेक करने। इससे मुझे उस एक शख्स का पता चल जाएगा जो झूठ बोल रहा है। अब सब लोग ध्यान से सुने, मैं आपको बताऊंगा किसको कहां जाना है। मिस्टर राज, आप किचन में जाएं। सोलंकी साहब, मिस्टर राज के बेडरूम में। विशंबर साहब, आप मेजर साहब की जगह लेंगे, आप बेसमेंट में जाएंगे। मिसिज रोज, मैंने जो अभी बताया वही करेंगे। मेजर साहब, आप शेखर साहब के बेडरूम में जाकर टेलीफोन चेक करेंगे। और शेखर साहब, सोलंकी साहब की जगह लाइब्रेरी में जाकर लेटर लिखेंगे। और आप क्या करेंगे इंस्पेक्टर? मैं मिस्टर पोरवाल की जगह लूंगा। तब तो तुम्हें संभल कर रहना होगा, इस तरह से तो कुछ भी हो सकता है। मैं एक पुलिस वाला, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस आप लोग उसी तरह से वही काम करेंगे इससे पहले जो आप लोगों ने किया था। जब तक मैं ना बोलूं आप लोग वही काम करते रहेंगे। ठीक। मिसेस रोज, अब क्या हुआ? बहुत खुश दिख रहे हो? आपको मिल गया जो आप चाह रहे थे? हाँ, मिल गया। तो पता चल गया खूनी कौन है? आपको भी तो पता है। मुझे पता है? आप पुलिस वालों को बेवकूफ समझती हैं। आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी केस के बारे में पहले से जानती थी। आपको पता था मिस्टर पोरवाल उस कमीशन के हेड थे जिन्होंने उस केस के पेपर बनाए थे। आपको सब कुछ पहले से ही पता था, फिर भी आप चुप रहे। मुझे कुछ नहीं पता। मिसेस रोज, आप चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी में बच्चों को म्यूजिक सिखाने जाती थी ना? और उन बच्चों से आपका काफी लगाव भी था। बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, ये सच है, सब कुछ सच है, पर मैं इसे भुलाना चाहती थी।
इतना आसान कहां? रोजी मैम, हमारी चहेती टीचर। कौन हो तुम? थ्री ब्लाइंड माइस, थ्री ब्लाइंड माइस, सी हाउ दे रन, दे रन आफ्टर द फार्मर्स वाइफ, हु कट ऑफ द टेल्स विद अ कर्विंग नाइफ, थ्री ब्लाइंड माइस, वीर। हाँ, मैं आपका छोटा सा स्टूडेंट जो अब बड़ा हो चुका है। आपको लगा कि मैं एक पुलिस वाला है ना, क्योंकि आपको फोन करके कहा किसी ने कि यहां पे एक इंस्पेक्टर आने वाला है पूछताछ करने के लिए। रोजी मैम चिल्लाइए मत, मैं गोली चला दूंगा। यहां पर आकर बैठ, अनुजी आपसे बात करें। मुझे आपसे बात करनी। श्रुति ने आपको दो लेटर लिखे थे ना? अब पहले लेटर में क्या लिखा था आपको याद? बोलिए बोलिए। बहुत याद आती है, हम रोज ये गाना गाते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ विदेशों से कुछ बड़े मेहमान आने वाले हैं, वो हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे। आप भी यहाँ जल्दी से आ जाइए, हम लोग खूब मस्ती करेंगे। वीर तो बिल्कुल पागल है, जब हम ये गाना गाते हैं तो चूहा बन जाता है और कैची से अपनी पूंछ काटता है। आप यहां जल्दी से आ जाइए। आपकी प्यारी श्रुति। आपकी प्यारी श्रुति। हम सबकी प्यारी श्रुति। मैम ये मेहमान बहुत गंदे, हमारे साथ बहुत गंदी हरकतें करते हैं, हमें सिगरेट से जलाते हैं, हम रोते हैं तो हमें मारते हैं, बहुत दर्द होता है। मैम आप हमें यहां से आकर ले जाओ ना, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। वीर की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब है, आप आओगी ना मैम? यही लिखा था ना उस दूसरे लेटर में श्रुति ने, जो आपको पहले लेटर के कुछ दिन बाद मिला था। गुनाह करने से ज्यादा गुनाह जानते हुए भी चुप रहना। आप क्यों नहीं आई मैम? आपको पता है उस रात आग लगने से पहले उन दरिंदों की दरिंदगी की वजह से सारे बच्चे टूट गए थे, पर श्रुति किसी तरह बचकर टेरेस पर जा पहुंची और वहां से कूद गई, तो वो मर गई। हमारी प्यारी श्रुति मर गई। और ये सब छुपाने के लिए मिस्टर मखीजा ने सारे बच्चों को कमरों में बंद करके आग लगा दी। सारे बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ।
असल में वो एक घिनौनी साजिश थी। कितना आसान था ना श्रुति की मौत और वहां पर चलने वाले घिनौने कृत्यों को लापरवाही की आग में दफन कर देना। आप तो सब कुछ पहले से जानती थी ना, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आप चुप रहे। मिस्टर पोरवाल ने भी अदालत को गुमराह किया। हम सब चूहे हैं, बादल फटते ही बिल में घुस जाते हैं। मैं सारे चूहों को मार दूंगा। ये दो चूहे अपने गुनाहों की सजा पा चुके और अब आपकी बारी। आपको खुश होना चाहिए, मैं आपको मुक्ति दे रहा हूं आपके गुनाहों के लिए। ये सच नहीं है वीर, ये सच नहीं है। मैंने पहला खत पढ़ा था लेकिन उसके बाद मैं बीमार हो गई। कई हफ्तों बाद जब मैं बीमारी से उभरी तब मुझे दूसरा खत मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर मकीजा जेल जा चुके थे। मुझे लगा उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है, इसलिए मैंने चुप रहना ठीक समझा। इतनी मामूली सी सजा, ऐसे गुनाह की बस यही सजा होनी चाहिए? सजा तो मैंने उन्हें दी, मैं सबको सजा दूंगा। मैंने श्रुति से वादा किया था ना कि मैं बड़ा होकर सबको सजा दूंगा, और अब आपकी बारी। वीर ऐसा नहीं करना तो भाग नहीं पाओगे। मुझे पता है किसी ने दरवाजा जानबूझकर बंद कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहचान तो मैं आपका बहुत पहले ही गया था, पर बहुत मजा आया इंस्पेक्टर बनके। थ्री ब्लाइंड माइस सी हाउ दे रन ऑफ द फार्मर्स वाइफ। मैम एक बार ये गाना गाओ ना मेरे साथ प्लीज, एक बार। थ्री ब्लाइंड माइस सी हाउ दे रन। मैम एक बार गाओ ना ये गाना प्लीज, एक बार, जैसे आप पहले गाती थी, एक बार गाओ। होश में हो, मिस्रों से छोड़ दो। उस रात आग की लपटों से बचाकर किसी ने तुम्हें भागने में मदद कर दी, याद करो। सूरज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो कूल डाउन, हथियार रख दो। लो रख दिया। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आया, उस हादसे के बाद कई महीनों में हॉस्पिटल में रहा, मेरी हालत बहुत खराब थी, फिर वहीं से मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, देखो जो होना था वो हो चुका है। हाँ, कुछ देर पहले मैं तुम्हारी इसी आदत की वजह से पहचान पाया, तुम हमेशा ऐसे करते थे ना। म्याऊ, म्याऊ। मैं सारे चूहों को मार दूंगा। तुम बीमार हो, नहीं इलाज की जरूरत है, हम तुम्हारा अच्छे से इलाज करेंगे, हथियार रख दो। तीसरा चूहा, अपने बड़े चूहे से बाहर निकलो बेटू, तुम अपने बड़े चूहे से। तुम सब चूहे हो। ये कैसे हुआ? सब ठीक है, अब इससे किसी को कोई खतरा नहीं। तो खूनी ये पुलिस वाला था? हाँ, मुझे तो पहले ही शक था, क्योंकि असली पुलिस वाला मैं हूं। जैसे ही हमें रिज रोड पर हुए मर्डर में सबूत इस गेस्ट हाउस से जुड़े मिले, मैं असली मेजर से बात करके उनकी जगह आ गया। लेकिन जब ये पुलिस के रूप में आया तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने फोन से पता करना चाहा, पर इसने तार पहले ही काट दिया था। ओ मिस्टर सोलंकी, वो अडॉप्टेड लड़का है? हाँ, और ये थोड़ी ही देर पहले इसकी अजीब हरकतों से पहचान पाए थे, और अंदर इन्होंने मुझे सारी बात बता दी थी। फ्रंट डोर पर ताला मैंने ही लगाया था जिससे कि ये भाग ना पाए। ये तो मुझसे भी बड़ा पागल था बेचारा।
पागल ही था बेचारा। पर इसने सच कहा, हम सब चूहे हैं, ऐसे चूहे जो बादल के फटते मेल में छिप जाते हैं। बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं।